तो वहीं आज हरियाणा बीजेपी की बड़ी बैठक है और बैठक के बाद नायब सैनी जो कि हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आप एक बार सुन लीजिए। लाभ पहुंचे ये नरेंद्र मोदी जी का ध्येय है और आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का ये ध्येय है और एक दिन के अंदर ये यात्रा दो कार्यक्रम करेगी। जो यात्रा हमारी वैन आएगी वो वैन के अंदर एलईडी लगी होगी, एलईडी के साथ साथ वो सरकार के जो काम किए हैं उनके बारे में भी वो बताएगी, जो योजनाओं का लाभ मिल रहा है और अगर कोई छूटा है तो उसकी एप्लीकेशन भी लोकसभा को कवर करेगी। सभी लोकसभा नहीं, हरियाणा प्रदेश के 6223 पंचायतें हैं, हर पंचायत को ये कवर करेगी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर है या जो प्रदेश सरकार की नीतियां रही इस राज्य सरकार की दोनों हमारी 9.5 सालों में जो नरेंद्र मोदी जी ने जो उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार ये गरीब को समर्पित सरकार होगी, कि 9.5 वर्षों में केंद्र सरकार ने जो जो काम किए हैं जिनका लाभ नीचे जीरो ग्राउंड के ऊपर पहली बार ये पहुंचा है, प्रदेश सरकार का पहुंचा है, इन दोनों के बारे में हर गांव-गांव में जाकर के इसकी चर्चा करेंगे और चर्चा के साथ अगर कोई छूट रहा है उसकी एप्लीकेशन भी लेंगे। और एप्लीकेशन अध्यक्ष जी टोटल कितनी वैन होंगी, ये वीडियो रिलीज वाली कितनी वैन होंगी टोटल? ये अभी जो जानकारी है मेरे पास वो 58 की है और धीरे धीरे करके अगर और आएंगी तो उसको बढ़ा दिया जाएगा, वो आपको बता दिया जाएगा। नहीं देखिए नहीं, ये सरकार की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को धरातल के ऊपर वो पहुंच रही हैं, अगर कोई छूट गया है उसको सरकार की योजना के साथ जोड़ना इस यात्रा का उद्देश्य ही यही है कि इंटरेक्शन करना और सरकार ने क्या काम किए हैं उसके बारे में बताना और उसको लेकर के आज ये बैठक हमारे वॉलंटियर उसके अंदर लगेंगे, हमारे वॉलंटियर लगेंगे, उन वॉलंटियरों की ड्यूटी लगेगी कौन कौन कहां कहां पर इस व्यवस्था को देखेगा और इस यात्रा के अंदर हमारे सभी सांसदगण, राज्यसभा के सांसदगण, हरियाणा सरकार के हमारे मंत्रीगण और सभी विधायकगण, और जैसा मैंने कहा है कि हमारे जिला परिषद के चेयरमैन और हमारे मेयर जो ये प्रमुख है हमारे व्यक्ति हैं, ये इसके अंदर कहीं न कहीं हर जो कार्यक्रम होगा एक दिन के अंदर ये यात्रा दो कार्यक्रम करेगी और उसके अंदर एक एक हमारा चाहे कहीं विधायक रहेगा, कहीं सांसद रहेगा, कहीं आदरणीय मुख्यमंत्री भी रहेंगे, कहीं हमारे राज्यपाल महोदय। ये यात्रा जो है वो सरकारी होगी या पार्टी की होगी? नहीं देखिए, ये सरकार की तरफ से इसको किया जाएगा और इसके अंदर डीसी नोडल अधिकारी है। वो एप्लीकेशन अगर कोई देना चाहे गांव के अंदर वो लेंगे शिकायत की अगर कोई एप्लीकेशन मिलता है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के जनसंवाद के कार्यक्रम चल रहे हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर, वही पैटर्न उसी पैटर्न को बताएगी। आप जो यात्रा है विकसित भारत संकल्प यात्रा इसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं और पूरे देश में जो काम हुआ है 9.5 साल में उसको लेकर जा रहे हैं, लेकिन टिप्पणी हो रही है जो राहुल गांधी है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी कर रहे हैं, कई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ है जो अमर्यादित भी है, तो आप क्या देखते हैं? सिर्फ कांग्रेस एक तरफ सीधा सीधा प्रधानमंत्री मोदी पर अटैक कर रही है, उनके ऊपर टिप्पणी कर रही है कांग्रेस के ऊपर, दूसरी तरफ आपके बीच से बात यात्रा को लेकर लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो कितना असर होगा आपकी योजनाओं का, आपके फैसलों का, जब इस तरह की टिप्पणी हो रही है? देखिए मैं इसके ऊपर ही कहना चाहूंगा क्योंकि कांग्रेस इस प्रकार की अभद्र भाषा बोल रही है वो निंदनीय है और मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस की दुकान से सामान खत्म हो चुका है। अगर हम देखें 55 साल तक राहुल गांधी को इस बात का भी ध्यान करना चाहिए कि वो और उनका परिवार सत्ता में रहा है 55 साल तक और 55 सालों में लोगों को ये तो बोलते रहे कि हम गरीबी को हटाएंगे, परंतु मेरे ख्याल से वो गरीबी ना हटाने के अंदर वो कामयाब नहीं रहे। क्या कारण रहे उसके? वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता रहा,
परंतु नरेंद्र मोदी जी ने एक योजनाबद्ध तरीके से जो कहा है उसको किया है, उसको सार्थक रूप देने का काम किया है। नरेंद्र मोदी जी ने 9.5 वर्षों में और मनोहर लाल जी ने गरीब व्यक्ति तक योजना पहुंचाने का काम किया। आज गरीब व्यक्ति को चिंता नहीं है कि वो 5 लाख रुपए तक का अपना इलाज करा सकता है, किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। ये मोदी जी गारंटी है जो दे रहे हैं हम मोदी जी, ये मनोहर लाल जी की गारंटी है जो इसको विस्तार रूप दिया है कि चीर आयु कार्ड इसके साथ जोड़ा है कि आज गरीब व्यक्ति को इस बात की चिंता नहीं है कि उसके इलाज के लिए पैसा कहाँ से आएगा, ना उसे किसी की तरफ देखने की जरूरत है। इस योजना के माध्यम से जुड़ करके अगर उसको दुर्घटना में कोई दिक्कत आ जाती है तो अपना इलाज करा सकता है। ये नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है। और उन माताओं बहनों को जिनके घर के अंदर राहुल गांधी और उनके परिवार ने आज तक लोगों को गैस की लाइन में खड़े करके रखा, नरेंद्र मोदी जी ने उनके घर के अंदर गैस का कनेक्शन और सिलेंडर पहुंचाने की व्यवस्था की, ये मोदी की गारंटी है। कांग्रेस भ्रष्टाचार की गारंटी है। मैंने कहा है कि उनकी दुकान से सामान खत्म हो चुका है, वो बौखलाए हुए हैं, वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ है मर्यादित भाषा बोलते हैं, वो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के खिलाफ अमर्यादित भाषा बोलते हैं ताकि लोगों के ध्यान को डाइवर्ट किया जाए, परंतु काम करना चाहिए। मैं अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय का 2 रोज पहले फैसला आया है, मैं हरियाणा सरकार के आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की पूरी पूरी प्रशंसा करता हूँ, सरकार की भी प्रशंसा करता हूँ, क्योंकि मैंने पीछे भी ये बात शायद कही थी, तब तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला नहीं आया था, मैंने पत्रकारों के बीच में इस बात को कहा था कि पराली प्रबंधन को लेकर के हरियाणा सरकार मनोहर लाल जी जबरदस्त काम कर रहे हैं और उसके ऊपर मुहर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने लगाई है, काम किया है तभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इतनी बड़ी टिप्पणी इसके ऊपर की और नसीहत दी है पड़ोस के राज्य को, नसीहत दी है कि आप वहां से कुछ सीखें, काम करें, बात मत करें।